चलो बेटा सीधे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे अकाउंटिंग इक्वेशन के, और इसमें देखते हैं कि क्या करना है। प्रोसेस आपको मालूम है, प्रोसेस सेम है, ठीक है। सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मेट बनाना है और स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब आप कर चुके हैं। तो आपकी कोशिश हो कि मेरे से पहले, मेरे बताने से पहले आप क्वेश्चन कंप्लीट करें, ठीक है। चलो स्टार्ट। सबसे पहले है मोहन कमेंट्स बिजनेस विद कैश, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका कैश और कैपिटल दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। यहां पे आ जाइए तो गुड्स हैं और कैश इन्वॉल्व है। यहां पे भी आप गुड्स खरीद रहे हैं, उधार में खरीद रहे हैं, मतलब क्या इन्वॉल्व है, क्रेडिटर्स, ठीक है। गुड्स आपने बेचे तो कैश आया आपके पास, गुड्स आपके पास से गए। ध्यान देना, 10,000 के गुड्स 12,000 में बेच रहे हैं, मतलब प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट किधर जाता है बेटा, कैपिटल में सर। हाँ, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो सीधी सी बात है फर्नीचर आ रहा है और क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, ठीक है। पेड कैश टू क्रेडिटर, तो कैश आपके पास से जा रहा है और आपकी क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी भी कम हो रही है। सैलरीज में क्या होगा, कैश जाएगा और कैपिटल भी कम होगा, क्लियर है, बहुत सिंपल है। तो ये हो गया। अब सीधे आते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब फटाफट कमेंट्स बिजनेस है, तो बिजनेस 50,000 हमारे पास कैश आया, ठीक है, और साथ ही साथ 50,000 का कैपिटल बढ़ गया, ठीक है। तो पहले ट्रांजेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं है, दूसरे ट्रांजेक्शन में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैश और कैश कम हो रहा है, गुड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे कैश मैं कम कर देता हूँ, कितने से, 30,000 से आप देख सकते हैं कैश ये आपका कम हो गया और ये आपके पास गुड्स आ गए, ठीक है। अब ये जैसे ही दो ट्रांजेक्शन हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो चलिए टोटल करते हैं, तो ये हो जाएगा, अब हमारे पास कैश बचा 20,000, ठीक है, प्लस हमारे पास गुड्स बचे हैं 30,000, फर्नीचर कुछ नहीं है हमारे पास, और इधर आ जाओ 50,000 का कैपिटल, सिंपल, ठीक है। अगला है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं हम। फिर हमने क्या किया है, हमने गुड्स खरीदे हैं उधार में, कितने के गुड्स खरीदे हैं, 20,000 के, ठीक है। तो ये 20,000 के गुड्स चलो हमने खरीद लिए, उधार में खरीदे हैं, देखिए, है ना, ऑन क्रेडिट, तो हमारा क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा, क्लियर है। हाँ, तो ये भी बढ़ गया, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास बेटा कैश हो गया 20,000, गुड्स हो गए हमारे पास 50,000, फर्नीचर अभी है नहीं, 20,000 के क्रेडिटर्स हो गए और इस तरफ 50,000 का कैपिटल हो गया, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ 70 इज इक्वल टू 70, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 10,000 के गुड्स आपने 12,000 में बेचे, 10,000 के गुड्स 12,000 में बेचे, मतलब आपके पास से गुड्स गए, गुड्स कितने के गए, गुड्स आपके पास से गए 10,000 के, ये लो 10,000 के गुड्स चले गए और आपके पास कैश आ गया, कैश कितना आ गया, 12,000 रुपये कैश आ गया, ध्यान रखना। तो 10,000 के गुड्स 12,000 में बेचे, मतलब प्रॉफिट हो गया 2,000 का, तो ये 2,000 का प्रॉफिट किधर जोड़ते हैं, कैपिटल में, क्लियर है। तो अब इसको टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा, अब हमारे पास कैश हो जाता है 32,000, प्लस हमारे पास गुड्स हो जाते हैं 40,000 इज इक्वल टू, अब आप इधर देखो 20,000 प्लस 70, सॉरी
52,000। तो कितना हो गया, दोनों तरफ आप देख सकते हैं 72 एंड 72, सिंपल है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, हमने फर्नीचर खरीदा, उधार में खरीदा है, तो फर्नीचर कितने का खरीदा, एक सेकेंड, फर्नीचर खरीदा 2,000 रुपये का। तो ये देखिए, ये है फर्नीचर का कॉलम, ये 2,000 का फर्नीचर, और बढ़ गई हमारी 2,000 की लायबिलिटी भी। अब क्या करना है, अब बस टोटल करते हैं हम यहाँ पे, तो ये 32,000 को एज इट इज ले आते हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। प्लस आपके पास गुड्स अब कितने हैं, 40,000 के हैं, प्लस 2,000 का आपका हो गया फर्नीचर, कुल मिला के 74,000। इधर आते हैं तो अब हमारी लायबिलिटी बढ़ के हो जाती है 22,000 प्लस 52,000, तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं 74 एंड 74। अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्रेडिटर को कैश दे दिया, कितना दे दिया, 15,000, ठीक है, वेरी सिंपल। तो 15,000 चलो दे देते हैं भाई, ये लो 15,000 ये दे दिया, और 15,000 हमारी लायबिलिटी भी कम हो जाती है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 17,000 क्या कैश, 40,000 के गुड्स, और फर्नीचर 2,000 का इज इक्वल टू 7,000 के क्रेडिटर्स प्लस 52,000 का कैपिटल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। चलो तो देखते हैं कि दोनों तरफ टोटल इक्वल है या नहीं है, आप देखिए, तो दोनों तरफ है 59,000, ठीक है। आखिरी में है सैलरी पेड 1,000, तो बेटा सैलरी दे देते हैं, चलिए ये कैश है हमारे पास, ये दे दिया हमने सैलरी यहाँ पे, और ये आपका कैपिटल भी कम हो गया। तो दिस वुड बी हाउ मच, नाउ दिस वुड बी 16,000 योर कैश, 40,000 क्या है, 40,000 है आपके गुड्स, 2,000 है आपका फर्नीचर, विच इज इक्वल टू 7,000 प्लस 51,000। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ का टोटल आता है 58,000, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, अगले क्वेश्चन में अगला लेक्चर, बाय बाय।